हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल लक्ष्मी क्लिनिक। आई एम डॉक्टर लक्ष्मी, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन न्यू दिल्ली। तो अभी आप सब लोगों को पता ही है कि हमारी जो है पीसीओडी सीरीज चल रही है। इसमें मैं कुछ डूज एंड डोंट्स करके एक कुछ लाइक 8-9 पॉइंट्स जो हैं वो लेकर आई हूँ, क्योंकि जो मेरी वीडियोस होती हैं वो थोड़ा सा लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं आपको सारा डिटेल देने की कोशिश करती हूँ रिगार्डिंग योर डाइट, लाइफस्टाइल, फूड, मेडिसिन, एवरीथिंग। तो इस वजह से जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं, मेन हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं वो मैंने लिख कर रखे हैं, ताकि अगर आप जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर सकते हो वीडियोस देखने के लिए, तो आप कम से कम इन पॉइंट्स पर जो है फोकस करिए। इन पॉइंट्स को आप एक लिस्ट बनाकर इनको आप लिख कर रख सकते हैं अपने रूम में, और जितने भी पेशेंट्स जो पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं वो सब इन पॉइंट्स को भी अगर डेली बेसिस पर देखते रहेंगे और अपने आप को उसी हिसाब से अगर अपने आप को कैलकुलेट करते रहेंगे कि हम लोग कितना ठीक जा रहे हैं, कितना गलत जा रहे हैं, तो उससे भी बहुत बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो यही है कि पीसीओडी में हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या होता है कि हाउ टू मेंटेन एन आइडियल बॉडी वेट एंड प्लस एक आइडियल हार्मोनल बैलेंस हमको इसमें बनाना होता है। तो आइडियल हार्मोनल बैलेंस के लिए आप तीनों चारों तरीकों से जब आप काम करेंगे, आपकी दवाई भी लेंगे, आपका खाना भी ठीक से खाएंगे, आपकी अपनी एक्सरसाइज भी करेंगे और अपना मेडिटेशन या अपना थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाएंगे, तभी आपका ये जो पीसीओडी है ये प्रॉपर तरीके से क्योर होगा, रिवर्स होगा। नहीं तो आप सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन या 21 दिन वाली जो गोलियाँ हार्मोनल पिल्स आती हैं आप वो लेते रहेंगे तो ये कंट्रोल में रहेगा, जैसे आप इसको छोड़ देंगे ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो मेन पॉइंट है वो यही होता है कि आपके जो मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं ओवरीज में, हमें कैसे उन सिस्ट को ब्रेक करना है, कैसे उन सिस्ट को हमें मेल्ट करना है, और उनकी वजह से जो भी हार्मोनल इम्बेलेंस हो चुका है आपकी बॉडी में, उस हार्मोनल इम्बेलेंस को हमें कैसे रिवर्स करना है। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट यही है कि आपको बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन इसमें नहीं लेनी है। बीइंग अ डॉक्टर आई एम सेइंग दिस थिंग टू यू कि आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती हैं ये जब तक आप लेंगे तब तक काम करेगी, जैसे ही छोड़ देंगे ये दोबारा से आपका जो हार्मोनल लेवल है उसको शूट अप कर देंगी। तो आइदर यू विल गो टू आयुर्वेदिक मेडिसिन, वो पीसीओडी में बहुत अच्छी होती हैं, उनका बहुत अच्छा इफेक्ट जो है मैं देखती हूँ अपनी प्रैक्टिस में। तो आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ ज़्यादा जाना है, और इसके साथ साथ आपका जो फूड है उसी को ही आपको अपनी मेडिसिन बनाना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा होममेड फूड आप ज़्यादा खाइए, घर का बना हुआ खाना आपको ज़्यादा खाना है, बाहर की चीज़ें कम से कम खानी है। जितने भी जंक फूड है, मैदा है, रिफाइंड चीनी है, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको नहीं खानी है। जितने भी पैकेज फूड हैं, चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, कुकीज़ हो गए, ये सब आपको नहीं खाने हैं। जो आपका घर का होममेड फ्रेशली कुक्ड फूड है आपको वही खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए होममेड फूड खाएं और उसको फ्रेश बनाकर ही खाएं। और इसके साथ साथ आपको हेल्दी प्लेट मेथड जो है वो यूज़ करना चाहिए। हेल्दी प्लेट में सबसे पहले तो आपको पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पूरी प्लेट भर लीजिए और आपको ये पता ही ना हो कि आपको कितनी भूख है और आपको कितना खाना खाना है। और जितना आपको भूख है आपको उतना ही सिर्फ प्लेट में अपना लेना है और उतना ही खाना है। और उसके अलावा हेल्दी प्लेट मेथड में आपको क्या करना है, अपनी जो आधी प्लेट है वो सारी आपको हरी सब्जियों से, सलाद से, इससे आपको भरनी है। फिर आधी जो प्लेट है उसमें आपका प्रोटीन होना चाहिए, जैसे आपके दालें हो गई, आपका पनीर हो गया, टोफू हो गया, और उस आधी में से जो आधी है उसमें आपका अनाज होना चाहिए, मिलेट्स होना चाहिए। और अनाज में भी आपको वीट अवॉइड करना है, आप होल ग्रेन अनाज जो है वो आपको ज़्यादा लेना है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको एक दिन भी स्किप नहीं करनी है पीसीओडी पेशेंट्स में। जितने भी हार्मोनल इम्बेलेंस के पेशेंट होते हैं आपके लिए एक्सरसाइज जो है वो मैंडेटरी है। आप लोगों को एक्सरसाइज ज़रूर ज़रूर करना है। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, गुड हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। जब गुड सिक्रीशंस हमारी बॉडी में रिलीज होंगी वही इम्बैलेंस को कम करेंगी। तो आपको एक्सरसाइज करना है, साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूर करना है। सिर्फ कार्डियो नहीं करना, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा योगासन ज़रूर करने हैं। कुछ योगासन हैं जैसे सूर्य नमस्कार के पोजेज जो हैं,
और बटरफ्लाई जो पोज है, ये जितने भी योगासन है ये पीसीओडी में बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपको ये ज़रूर करना है। इसके अलावा आपको प्राणायाम ज़रूर करना है, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, थोड़ा सा मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ये चीज़ें पीसीओडी में बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। ट्रस्ट मी, दे आर रियली वेरी इफ़ेक्टिव, तो आपको इन चीज़ों को भी ज़रूर करना है। उसके अलावा आपको क्वालिटी स्लीप लेनी है, आपका जो सोने का जो टाइम है और सोने का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। यू हैव टू टोटली चेंज योर लाइफस्टाइल। आपको जितना अच्छा आप नींद लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो हार्मोन्स है, जो बॉडी में जितने भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, जितना भी आपके टॉक्सिन्स हैं, वो सब स्पेसिफाई हो जाएंगे। तो आपको गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो ज़रूर ज़रूर लेना है। इसके अलावा आपको अपना स्ट्रेस लेवल जो है वो कम से कम रखना है, स्ट्रेस आपको कम से कम लेना है, क्योंकि स्ट्रेस जैसे ही आप लेंगे आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा, जिसकी वजह से दोबारा से पूरा का पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और फैट सेल्स का एक्यूमुलेशन आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए आपको प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नॉर्मल भी फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर ज़रूर करनी है। थोड़ा सा पॉजिटिव एफर्मेशन अपनी बॉडी में लेकर आना है, पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो अपनी बॉडी में आपको लेकर आने हैं। और इसके साथ साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि आपको मून चार्ज वाटर पीना है, मून की रोशनी में, चांद की रोशनी में कुछ देर तक रहना है, वॉक करना है, बैठना है, और रात को एक गिलास में या कांच के एक जग में आपको पानी भर के रखना है। उसको सारी रात आपको चांद की रोशनी में रखे रहने देना है, और सुबह खाली पेट आपको वो वाला पानी जो है वो पीना है, मून चार्ज वाटर, बिकॉज मून का भी साइंटिफिकली इट्स प्रूवन के मून रेस का हमारी साइकिल से बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। प्लस इसके साथ साथ आपको कॉस्मेटिक्स से दूर रहना है, स्पेशली आपको लिपस्टिक्स से दूर रहना है, बिकॉज़ ये जो लिपस्टिक्स हैं ये डायरेक्ट हमारा टंग से, हमारा सलाइवा से हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, जिससे ये हार्मोनल इम्बेलेंस जो है वो क्रिएट करती हैं। इसके साथ साथ आपको प्लास्टिक से दूर रहना है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो क्या करता है, लीच कर जाता है, और गर्म खाने में जब आप प्लास्टिक मिलाते हैं तो वो लीच कर जाता है और जीनो एस्ट्रोजेंस जो है वो बनाता है। इसके साथ साथ ही आपको हर्बल टीज ज़्यादा लेना है, डिटॉक्स वाटर आपको ज़्यादा लेना है, आपका डाइजेशन जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत मेन पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको आप इग्नोर करें, ये सब पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखना है। सो दिस इज माई शॉर्ट वीडियो फॉर PCOD, होप इट हेल्प्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।